हेलो गाइस, मेरा नाम है कोमल और स्वागत है आपका कोमल किचन में। आज मैं आपके लिए कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैंने बहुत ही कम और बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये खाने में बहुत ही बेहतरीन लगती है। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को भी हिट कर ले। सबसे पहले एक बाउल में हम डालेंगे दूध। दूध हमारा ठंडा होना चाहिए। इसमें अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है। कस्टर्ड पाउडर डालकर हम इसे मिक्स कर देंगे। इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो दूध को मैंने मिक्स कर दिया है कस्टर्ड पाउडर के साथ। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हमने कढ़ाई गर्म करेंगे और इसमें डाल देंगे 2 कप के करीब दूध। दूध हमारा ठंडा या नॉर्मल आप उबाला हुआ भी ले सकते हैं। तो इसे हम दूध में एक उबाला आने देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी मैंने 1/3 कप के करीब लिया है। चीनी डालकर हम मिक्स कर देंगे। चीनी के मिक्स होते ही हम इसमें जो कस्टर्ड और दूध का ये जो हमने मिश्रण बनाया था इसे डाल देंगे। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और बीच बीच में इसको चलाते भी रहें ताकि ये जो दूध में हमारी गुठलियाँ ना पड़े। तो थोड़ा थोड़ा डालते रहें और इसे मिक्स करते रहें। तो इसी तरीके से हम इसे इसमें डालकर मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसे 4 से 5 मिनट पकाएंगे। तो इसे आप छोड़े नहीं, चलाते रहे, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाती है। तो 4 से 5 मिनट तक इसे हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम गैस से इसे नीचे उतार देंगे और इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। तो इसे मैंने दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब हम इसे 1/2 से 1 घंटे के लिए ठंडा कर देंगे। तो ये गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसे ठंडा करके ही हम यूज़ करेंगे। तो अब मैं एक बाउल में 1 कप व्हीपिंग क्रीम ले रही हूँ। तो आप कोई भी व्हीपिंग क्रीम ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो 1 कप मैंने व्हीपिंग क्रीम ली है और इसे इलेक्ट्रॉनिक बीटर से बीट करेंगे। तो करीब 4 से 5 मिनट हम इसे बीट करेंगे। तो आप इसे इसी तरीके से बीट करते रहें। तो आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं या विस्कर का। विस्कर से भी करने में इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसे हम जब तक कि क्रीम हमारी बीट नहीं हो जाती अच्छे से इसे करते रहें। तो देख सकते हैं क्रीम हमारी बनकर तैयार है, व्हीपिंग क्रीम। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने कस्टर्ड पाउडर बनाया था दूध के साथ, उसे ठंडा ठंडा डाल देंगे। अब इसे भी हम मिक्स कर देंगे। तो इसे 2 मिनट हम मिक्स कर देंगे। तो इसे अच्छे से आप क्रीम के साथ मिक्स कर लें। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मैं 2 चुटकी येलो फूड कलर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना या तो ना डालें। इससे इसका कलर के लिए सिर्फ डाल रहे हैं, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे भी हम मिक्स कर लेंगे 1 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी क्रीम अच्छे से रेडी है बनके। तो अब हम इसको में जो है एक पॉलीथीन से इसे कवर कर देंगे। तो अब मैं इसे फ्रिज में डाल दूंगी करीब 2 घंटे के लिए। तो इसे फ्रिज में डाल दें। 2 घंटे के बाद हम इसे निकालेंगे, पॉलीथीन निकाल दें। इसे हम फिर से एक बार बीट करेंगे। तो ऐसा करने से हमारी ये जो आइसक्रीम है ये बहुत ही स्मूथ बनती है, ये बाज़ार से भी अच्छी बनती है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट और बीट कर लेंगे। तो इसे बीट मैंने कर लिया है। तो अब हम इसमें टूटी फूटी डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। तो कलरफुल टूटी फूटी का यूज़ मैंने किया है। टूटी फूटी डालने के बाद हम इसे एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। तो अब हम एक प्लास्टिक का कंटेनर लेंगे। आपके पास जो भी डब्बा अवेलेबल हो जिसमें लीड हो उसका यूज़ करें और ये जो आइसक्रीम का मिश्रण है इसे डाल देंगे। तो सारे मिश्रण को हम इसमें डालकर और इसे बराबर कर देंगे स्पैचुला से और इसे हम डैब डैब कर देंगे। तो आप इसे थोड़ी देर इस तरीके से कर दें ताकि इसमें कोई भी एयर ना रहो। तो अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसे 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे फ्रीजर में। 5 से 6 घंटे के बाद मैंने ढक्कन हटाया, आइसक्रीम हमारी जम चुकी है। तो आप चाहे तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपको और ज़्यादा आइसक्रीम ठंडी चाहिए तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, उससे ये और ज़्यादा अच्छे से जम जाएगी। तो
अब हम इसमें डाल देंगे टूटी फूटी कलरफुल वाली, इसी के साथ में थोड़े से पिस्ता से इसे गार्निशिंग करेंगे और थोड़ी से बादाम डाल दें इसके ऊपर। तो कस्टर्ड आइसक्रीम हमारी रेडी है, तो आप इसे बनाएं। कैसा लगा वीडियो आपको मुझे कमेंट करके बताएं। ये आइसक्रीम बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही कम सामानों से हमने बनाया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक करने का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।